भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी मंगलवार को 95 वर्ष के हो गए। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनके घर जाकर शुभकामनाएं दी। गृह मंत्री अमित शाह सहित पार्टी के सभी नेताओं ने वरिष्ठ नेता को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और अच्छे स्वास्थ्य और लंबी जिंदगी की कामना की। तो वहीं पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए लालकृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की शुभकामनाएं पहले ही दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि भारतीय जनता पार्टी को जन जन तक पहुंचाने के साथ देश के विकास और अहम भूमिका निभाने वाले श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां। वो पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ही देशवासियों के प्रत्यक्ष प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करता हूँ। भारत पाकिस्तान विभाजन से पहले हुआ था लालकृष्ण आडवाणी का जन्म। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को हुआ। वे भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले अविभाजित भारत के सिंध प्रांत में जन्मे थे। उनके पिता का नाम कृष्ण चंद डी आडवाणी और मां का नाम ज्ञानी देवी था। उनकी शिक्षा कराची के स्कूल में हुई और सिंध प्रांत के कॉलेज में उन्होंने अपने स्नातक की पढ़ाई पूरी की। देश के बंटवारे के बाद उनका परिवार मुंबई आ गया, जहां उन्होंने कानून की पढ़ाई की। आडवाणी जब 14 वर्ष के थे तभी संघ से जुड़ गए और भारत में 1991 में वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा स्थापित जनसंघ से जुड़ते हुए भी नजर आए। तो वहीं पर 1977 में जनता पार्टी और फिर 1980 में भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे बढ़े। लालकृष्ण आडवाणी ने भारतीय राजनीति की धारा को बदल के रख दिया। लालकृष्ण आडवाणी ने आधुनिक भारत में हिंदुत्व की राजनीति का प्रयोग किया। उनका ये प्रयोग काफी सफल रहा। भारतीय जनता पार्टी 1984 में महज 2 सीटें ही जीत पाई थी, लेकिन 1984 से 2019 के सफर तक 303 लोकसभा की सीट पर आ चुकी है। लालकृष्ण आडवाणी का जिक्र हो और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उनकी जुगलबंदी की बात ना हो तो सियासत में कुछ अधूरा सा रह जाता है। दरअसल 1996 के चुनाव के में कुछ महीने पहले ही मुंबई के शिवाजी पार्क में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी रैली का आयोजन किया, जिस वक्त लालकृष्ण आडवाणी महज 68 वर्ष के थे और लगभग 1 दशक से पार्टी के अध्यक्ष बने हुए थे। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन चलाकर पार्टी को एक नई दिशा और तेवर प्रदान किए। आडवाणी से बड़े 70 साल के वाजपेयी तब पार्टी नेतृत्व की दौड़ में पिछड़ चुके थे। पार्टी में उनका सम्मान जरूर था, लेकिन जब भी कभी पार्टी के भावी प्रधानमंत्री उम्मीदवार की बात की जाती थी तो लालकृष्ण आडवाणी का नाम सबसे पहले लिया जाता था। लेकिन उस दिन शिवाजी पार्क की जनसभा में जब आडवाणी ने पार्टी के भावी प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए वाजपेयी के नाम की घोषणा की तो वहां पर मौजूद लोग अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाए। वाजपेयी ने आडवाणी से सवाल किया कि इतनी महत्वपूर्ण घोषणा करने से पहले उनकी सहमति आखिर क्यों नहीं ली, तो आडवाणी ने उल्टा ही उनसे सवाल कर दिया, अगर मैं आपसे पूछता तो क्या आप मुझे इस प्रस्ताव में हाँ बोलते। जिसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी की जोड़ी एक अटूट जोड़ी की तरह मानी जाने लगी। लालकृष्ण आडवाणी अब सक्रिय राजनीति में तो नहीं है, लेकिन पार्टी और पार्टी के तमाम बड़े नेता उनके कद को जानते हैं और इस वजह से साल दर साल पार्टी के तमाम बड़े नेता उनके जन्मदिन के मौके पर उनको सम्मान और शुभकामनाएं देना बिल्कुल नहीं भूलते। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिकल डेस्क।